हेलो, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रीना मसाला एक किचन में। आज की मेरी रेसिपी लौकी के साथ है। यहाँ मैंने लौकी ले लिया है, इसे छीलकर अच्छे से धोकर रख लिया है। इसके मैं कोफ्ता बनाऊँगी। तो यहाँ मैं मोटे वाले ग्रेटर से लौकी को कद्दूकस करेंगे। फिर बाउल में निकाल कर बाकी के भी हम घिस लेंगे। अब हम घिसे हुए लौकी के पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। सारे पानी को हमने निचोड़ लिया है। बचे हुए पानी का हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। इसे मैंने चाय छन्नी से छान कर रख लिया है। फिर एक मिक्सर जार में मोटे कटे हुए आधे प्याज, 15 से 20 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक को मैंने जार में डाल लिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा, 2 हरी इलायची, आधी दालचीनी के टुकड़े, 3 लौंग और सबका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट हमारे तैयार है। यहाँ मैंने चने दाल लिया है, ये मैंने आधे घंटे पहले भिगोया था। उसी जार में हम चने की दाल को डालकर थोड़े पानी डालकर दरदरा पीस लेंगे। बैटर हमारा इस तरह रहना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड नहीं रहना चाहिए। फिर निचोड़े हुए लौकी में हम सारा बैटर डाल देंगे। फिर इसमें हम पिसे हुए मसाले 2 से 3 चम्मच मिलाएंगे। फिर इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। यहाँ मैंने 1 बारीक प्याज काटा है, 4 हरी मिर्च काटा है और 1/2 इंच अदरक काटा है। सबसे पहले अदरक डालेंगे, फिर 1/2 कटी हरी मिर्च डालेंगे और 1/2 बारीक कटे प्याज मिलाएंगे और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हाथ से मैसेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन मिलाया है बाइंडिंग के लिए। आप भी बीच में चेक कर ले ये बंधता है या नहीं। अब हम कोफ्ते के गोल गोल साइज डालेंगे। मैंने इसे राउंड राउंड बनाया है। इसे हम पलट लेंगे।
लौकी के कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी कढ़ाई में तेल ज़्यादा था इसलिए मैंने थोड़े से निकाल लिया है। अब हम कढ़ाई में 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, बारीक कटे हुए आधे प्याज डालेंगे, कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें बारीक कटे हुए 1 टमाटर डालेंगे। टमाटर प्याज हमारे गल चुके हैं, अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक, और पिसे हुए मसाले इसमें मिला देंगे। जार में मैंने 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर मिलाया था, वो मैंने दिखा नहीं पाई। जार में थोड़े से पानी डालकर हम जार को साफ कर लेंगे और मसाले को अच्छे से भूनेंगे। यहाँ मैंने कसूरी मेथी रब करके डाला है। मसाले हमारे भुन चुके हैं, अब हम इसमें लौकी के निचोड़े हुए पानी डालेंगे और 1 गिलास पानी मिलाएंगे। ग्रेवी हमारी खौल गई है, अब हम इसमें तले हुए कोफ्ते मिलाएंगे। मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।